एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज है 3rd ऑफ जून और आज जो टारगेट होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। बस 1 से 2 मिनट का टाइम मैं लूँगा, फिर उसके बाद आपका पूरा टारगेट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है कि आज आपको पीओ प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट का जो है ना आपको सेक्शनल मॉक लेकिन 2 लगाना है। लगाने का उसका सोल्यूशन जरूर जरूर कर लेना एकदम, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं मेंस के सेक्शनल मॉक में, देखो मैं प्री मेंस सब साथ में लेकर चल रहा हूँ। आज बारी है रीजनिंग का, ठीक है ना। रीजनिंग का आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, उसका सोल्यूशन भी करोगे, इतना ही है ना, ये हो गया। उसके बाद जो है ना प्री लेवल पजल 10 जो है ना, 10 आपको सॉल्व करना ही करना है। 10 प्री लेवल पजल, 8 चैप्टर में रीजनिंग का जो चैप्टर है उसमें एक चैप्टर रैंकिंग एंड ऑर्डर। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, पता होगा ही, 10 क्वेश्चन बस इसका प्रैक्टिस कर लेना। क्वांट का 2 सेक्शन यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक तो पूरा जो है ना आपका डीआई बेस्ड रहता है, ठीक है ना, क्योंकि डीआई बहुत ज़्यादा जरूरी है एकदम, ठीक है ना। तो पाई चार्ट जो है ना 10 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेना। मैथ वाइज जो टॉपिक है ना परसेंटेज चैप्टर है, ठीक है ना। देखो जो भी मैं चैप्टर देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट उसको क्लियर कर लो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है ना 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। ऑलरेडी आता तो सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस कर लेना, कहीं से भी कर लो, यूट्यूब से, गूगल से, मॉक से, ठीक है ना। सीरीज जब भी देता हूँ ना तो मिसिंग और रॉन्ग दोनों साथ साथ में सीरीज करना, ठीक है ना। नहीं तो बहुत कई बार लोग सिर्फ मिसिंग करते हैं, रॉन्ग नहीं करते हैं, एग्जाम में कहते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया, ऐसा वैसा दोनों करना है, ठीक है ना। इंग्लिश में जो है ना हाँ, रीडिंग न्यूज पेपर आधा घंटा कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 10 हो गया, आप डेली बेसिस पे 2 RC और जो है ना ये फिलर जो है ना इसका 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना ही करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डेली लिखोगे तभी आने वाला है, ठीक है ना। और ये खास करके उन लोगों के लिए जिनका सपना SBI PO या फिर IBPS PO है ना, तो अभी से करना शुरू कर दो। जो भी न्यूज पेपर पढ़ते हो ना उसको अपने लैंग्वेज में टाइप करना शुरू कर दो। करेंट अफेयर्स में डेली अपडेट हो गया, और मतलब जैसे आज है 3 अप जून, तो आज वाला उसको जनवरी से एकदम पूरा रिवाइज करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन में डांस डांस कवर कर रहे हैं, ठीक है। डांस मतलब जहाँ जहाँ पर जहाँ का जो डांस है ना फेमस है तो उसको याद कर लेना है जिस स्टेट का, ठीक है ना। बैंकिंग अवेयरनेस में रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, ये वाला टॉपिक आज आपको कवर कर लेना है। कंप्यूटर में कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ना ये वाला कवर कर लेना है। डेली क्विजेस लगा लेना, कोई भी डाउट होगा ना कि कैसे क्या करना है नहीं करना है तो आप कमेंट करना या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे बात कर लेना, ठीक है। सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। कुछ काम इसमें आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलता होगा, क्योंकि डेली करोगे तभी ठीक होने वाला है। रीडिंग न्यूज पेपर हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, ये सब डेली पढ़ोगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, डेली करोगे तभी ठीक हो। ऐसा नहीं कि आज किया 5 दिन के बाद फिर रीडिंग कर लिया बोलेंगे हम रीडिंग कर रहे थे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना। हाँ, तैयारी, अच्छी तैयारी करो हमेशा, सिर्फ तैयारी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।